दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। अगर आपकी इंस्टाग्राम आईडी किसी ने ब्लॉक कर दी है तो आप उसकी आईडी कैसे देख सकते हो अपने फ़ोन से। जैसे आप लोगों ने अपनी फेक आईडी बनाकर भी उसका अकाउंट सर्च मारा होगा, फिर भी उसका अकाउंट नहीं आ रहा है आपकी सर्च बार पर, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में आपको बिल्कुल ए टू जेड बताएंगे आप उसकी आईडी कैसे देख सकते हो, साथ में उसकी स्टोरी पोस्ट फोटो वगैरह आप लोग कैसे देख सकते हो। तो बनी रहिए हमारे साथ एकदम लास्ट तक वीडियो में, हम आपको कोई टू जेड बता देंगे। अगर मेरी चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें अपनी वीडियो की ओर। तो आपको सिंपल सा यहाँ से पहले आई डी को ब्लॉक करना है, ठीक है। मैं अपनी एक आई डी ब्लॉक कर देता हूँ और दूसरी आई डी से इसे देखूँगा, ठीक है। तो पहले इसको अपन लोग यहाँ से ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक करने के बाद फिर चलेंगे अपनी आई डी देखने। देखो यहाँ से अनब्लॉक आ रहा है, तो देखो ये आई डी अपनी ब्लॉक हो गई, हो गई। यहाँ से मेरे अनब्लॉक का चिन्ह आ रहा है, आ रहा है। अब चलते हैं अपन दूसरी वाली आईडी पे, यहाँ से इस आईडी को हटा के दूसरी वाली आईडी खोलते हैं। आप वीडियो को स्किप मत करना, आपको बट समझ में नहीं आएगा आप जैसे बता रहे हैं हम, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना। यहीं पर एकदम प्रॉपर काम है, वन फिर कहोगे आप लोग भाई समझ में नहीं आया। तो यहाँ से अपन अकाउंट अपना चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं अपना दूसरा वाला अकाउंट यहाँ से खोल लेते हैं। खोलने के बाद अपन चलते हैं सीधा सर्च बार में। अब वो वाली आईडी अपन सर्च मारते हैं जिस आईडी से वाली आईडी अपन ने ब्लॉक की है, ठीक। सिंपल सा सर्च बार पे आते हैं। सर्च बार पे आने के बाद मैं अपनी आईडी दूसरी वाली यहाँ पर सर्च मारूंगा जिस आईडी से मैंने उसे ब्लॉक किया है, ठीक है। तो मैं सिंपल सा यहाँ पर अपनी आईडी सर्च मार लेता हूँ, सर्च मार के देखता हूँ आती है नहीं आती है। तो मैं यहाँ से लिख लिया मैंने अपनी यूज़र आईडी, तो वो नहीं आ रही है। मैंने यूज़र आईडी अपनी लिख ली अपनी आईडी, फिर भी वो अकाउंट नहीं आ रहा है। तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से चलना है आप सीधा कट हो गए, ठीक है। तो हम यहाँ से चलते सीधा बैक, अपन चलना है सीधा यहाँ से अपने प्ले स्टोर में, ठीक है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको अपना इंस्टाग्राम अपडेट कर लेना है। जैसे आपको इंस्टाग्राम पर अपडेट आ गया होगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तो ठीक है। अपन चलते हैं सीधा प्ले स्टोर में। आपको प्ले स्टोर पे आने के बाद यहाँ पर इंस्टाग्राम अपना सर्च मार लेना है। सर्च मार के ये आ रहा है अपडेट, आपको यहाँ अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद अपन अब चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, ठीक है। स्क्रीन पर आने के बाद ये आ रहा है क्रोम ब्राउज़र का ऑप्शन, ठीक है। आपको क्रोम ब्राउज़र पर टैप करना है। टैप करने के बाद ऐप इन्फो खुलेगा, आपको उस पर टैप करना है। उस पर टैप करने के बाद ये आ रहा है स्टोरेज यूज़र आ रहा है। आपको सिंपल सा स्टोरेज यूज़र पर टैप करना है। इस पर टैप करते ही आपको ये आ रही है क्लियर डाटा क्लियर कैच, आपको क्लियर डाटा कर देना है, क्लियर कैच भी कर देना है, दोनों कर देना, ठीक है। दोनों करने के बाद इसका पूरा डाटा क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने के बाद अब यहाँ से आ जाओ बैक। बैक आने के बाद अपन को फिर से क्रोम ब्राउज़र खोलना है। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद अपन को सर्च बार पर चलना है, ठीक है। यहाँ से अपन लोग वेबसाइट सर्च मारेंगे, किस वेबसाइट से देख सकते हैं अपन लोग। तो सिंपल सा यहाँ पर आपको मानना है सर्च इंस्टाग्राम स्टोरी व्यूअर, ठीक है। तो मैं अभी सर्च मारूंगा, आप लोग देख लेना बहुत ध्यान से। देखो इंस्टाग्राम स्टोरी व्यूअर आपको इतना ही सर्च मारना है, बहुत ध्यान से देख लेना आप। यहीं पूरा इनपुट नाम यहीं पे है, ठीक है। फिर कहोगे भाई समझ में नहीं आया, आपको इतना सर्च मारते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ये इतनी सारी वेबसाइट आ रही हैं, आपको सबसे टॉप वाली वेबसाइट को खोलना है, ठीक है। यहाँ से मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। सिंपल सा ये सबसे टॉप वाली वेबसाइट है, आपको इस पर टैप करना है। इस पर टैप करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस खोल के आएगा, ठीक है। आपको जिस आईडी ने आपको ब्लॉक किया है आप उसकी आईडी लेके आना है यहाँ पे। उसकी आईडी यहाँ पर सर्च मार देना, ठीक है। उसकी आईडी का आपको यहाँ पर यूज़र नेम डालना है, ठीक है। जो भी उसका यूज़र नेम हो आप उसके लिए आना, यहाँ पर यूज़र नेम डाल लेना। यहाँ से आप उसकी स्टोरी पोस्ट फोटो वगैरह सब कुछ देख सकते हो, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अपनी गैलरी में, ठीक है। जो उनसी आईडी ने आपको ब्लॉक कर दिया है आप उस आईडी का यूज़र नेम यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। उसी आईडी का यूज़र नेम लाओगे यहाँ पर डाल देना। उसी आईडी का आप लोगों को बिल्कुल प्रोफाइल वगैरह सब बिल्कुल ओपन हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं अभी अपनी आईडी का दूसरी वाली आईडी का मैं प्रोफाइल नाम डाल देता हूँ, जो यूज़र नेम होता है वो डाल देता हूँ। डालने के बाद यहाँ से खोलें, खोलने के बाद देखते हैं अपना खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। आपको भी सेम ऐसा ही खोलना है, ठीक है। मैंने यहाँ से सर्च कर दिया, सर्च करके कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके पास, ठीक है। मेरी आईडी देखो आ गई, मिस्टर मनीष आ गए। ये हमारी चार पोस्ट हैं, 10 फॉलोवर हैं, 25 फॉलोविंग है, ठीक है। यहाँ से हम अपनी पोस्ट वगैरह दिखाएंगे, ठीक है। मेरी एक पोस्ट है, तीन पोस्ट है हमारी नीचे पे, तीन चार, ठीक है। आपको जैसे आप लोगों को यहाँ से अपनी पोस्ट वगैरह देख सकते हो आप लोग। ऐसे आपको स्टोरी वगैरह देखनी है तो ऊपर स्टोरी भी होगी, आप यहाँ से स्टोरी भी देख सकते हो। जैसे मैं अभी ऊपर चलते हैं, ठीक है। ऐसे आपकी स्टोरी जो भी लगी होगी आप यहाँ पर स्टोरी पर टैप कर देना, जो आपका लोगो है आपकी वहाँ से स्टोरी देख सकते हो। तो आप लोग जैसे अपना पोस्ट वगैरह उसकी कैसे डाउनलोड कर सकते हो तो मैं अभी दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से उसकी पोस्ट चालू कर दी, ठीक है। चालू करने के बाद ये आ रहा है ऊपर में डाउनलोड का ऑप्शन, आपने देखा होगा। देखो अभी हम टिक लगा देते हैं, ठीक है। आपको सिंपल सा इसी डाउनलोड वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। उसकी जो भी पोस्ट वगैरह होंगी वीडियो वगैरह आपकी गैलरी में सीधा जाके सेव हो जाएंगे, तो आप अपनी गैलरी से ही देख सकते हो उसकी पोस्ट वगैरह, ठीक है। अगर किसी की प्राइवेट आईडी हुई तो नहीं दिखेगा, ये वेबसाइट उसके लिए काम नहीं करेगी, ठीक है। तो प्राइवेट आईडी के लिए मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे दी है लिंक उसकी, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपकी प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व कर दूंगा। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से मैं आपसे बात कर लूँगा, आपकी प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व करा दूँगा। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो भाई मिलते रहेंगे, ऐसी न्यू वीडियो लाते रहेंगे हम आप लोगों के लिए।